ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हेल्थ और हैप्पीनेस के चैनल में सतीश शर्मा योगा हेल्थ। और आज हम बात करेंगे वज्र मुद्रा के बारे में। जी हाँ, वज्र मुद्रा बहुत ही पावरफुल मुद्रा है, बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है जो हमारे शरीर को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है, मजबूत करता है, बहुत सारी बीमारियों से हमें मुक्त रखता है। वज्र मुद्रा करने से हमारे शरीर के अंदर रक्त की प्रवाह बहुत ही सुचारू ढंग से चलती है। ब्लड सर्कुलेशन, जो पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही रामबाण की तरह काम करता है यह मुद्रा। वज्र मुद्रा से शरीर में मजबूती प्रदान करती है। और जो लोग हमेशा थके थके रहते हैं, एनर्जी काफी लो रहती है, मतलब शरीर हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ ऊर्जा ही नहीं है, बिना काम किए हुए भी थके थके रहते हैं, जिनके शरीर के अंदर ऊर्जा की बहुत कमी होती है, उनके लिए वज्र मुद्रा बहुत ही कारगर है। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं वज्र मुद्रा, जो हमारे शरीर को चुस्त तंदुरुस्त रखता है और ब्लड की प्रवाह को बहुत ही सुचारू ढंग से चलाता है। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है ये। हमारे, जैसे मैंने पहले कई बार कहा है कि हमारा स्वास्थ्य हमारे उंगलियों में है, हमारी हथेलियों में है। तो आइए जानते हैं उसको कैसे करना है। पूरा आपको जो करना है, शरीर की रीढ़ की हड्डी, आपको पूरी तरह से स्ट्रेट और स्ट्रांग स्थिर में बैठना है। और आप किसी तरह भी, जैसे मैं पद्मासन में बैठा हूँ ऐसे बैठ सकते हो, सुखासन, अर्ध सुखासन, जिस पोजिशन में आप कंफर्टेबल हो वहां पे उस तरह बैठ सकते हो, सोफा पे, चेयर पे, कुर्सी पे, कहीं पे भी जैसा चाहिए। सिर्फ ध्यान देने वाली बात जो है, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन शुड बी इरेक्ट। तो स्पाइन एकदम इरेक्ट। और ये रही आपकी सारी हथेलियां। अभी इसमें आपको ये उंगली जो है सीधी रखनी है, फर्स्ट फिंगर जो है आपकी, उसे सीधे रखते हुए सारी की सारी उंगलियों को, अंगूठा, अनामिका, कनिष्ठ और रिंग फिंगर, उन सबको आपको एक दूसरे से ऐसे स्पर्श करना है, टच करना है इस तरह से। और ये ऐसे आपका हो जाएगा फिंगर सीधे ऐसे। और इस तरह से यहाँ पे आपको अपने पैरों के ऊपर रख लेना है, घुटनों के ऊपर रख लेना है, जैसे आप कंफर्टेबल हो उस तरह से। तो वज्र मुद्रा में आपकी सारी उंगलियां, मैं फिर से बता रहा हूँ, सारी उंगलियां जो है सिर्फ फर्स्ट फिंगर आपका स्ट्रेट होगा और बाकी की सारी उंगलियां एक दूसरे से जुड़ जाएंगी इस तरह से। और फर्स्ट फिंगर आपका ऐसे इस तरह से होगा और फिर सीधे आपको आराम से ऐसे बैठ जाना है। अभी बैठने के लिए आपको अपनी आंखें बंद रखनी है, क्योंकि जब तक आप अपनी आंखों को बंद नहीं रखोगे तब तक आपका ध्यान स्थिर नहीं होगा। और इस प्रकार आपको बैठना है पूरी तरह से आंखें बंद करते हुए, और अपने पूरे ध्यान को आपकी जो हड्डियां हैं उस तरफ लेके जाना है, जितने, जैसे कि आपके नीज के पास, घुटनों के पास, जितने भी जॉइंट्स हैं, एल्बो, कंधे, शोल्डर, सारा ध्यान हड्डियों के ऊपर रखेंगे अपने। और लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से एक्सेल कर देंगे। और नीचे पैरों के यहां से पकड़ के आपके पूरा ध्यान अपने शरीर पे रखेंगे, तालू के ऊपर, फीट, दोनों घुटने, कमर, एल्बोस, दोनों कंधे, माथा और सिर की चोटी। उसके बाद पूरा ध्यान अपना रीढ़ की हड्डी की तरफ लेके जाएंगे, स्पाइन की तरफ, और पूरी रीढ़ की हड्डी को अपने ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, पीठ के पीछे, बेस ऑफ द स्पाइन। और धीरे धीरे अपने ध्यान को रीढ़ की हड्डी से नीचे से ऊपर की तरफ सांसों द्वारा महसूस करते जाएंगे। आप जो सांस ले रहे हो उसे महसूस करना है।
आंखें बंद रखते हुए पूरा ध्यान अपने सांसों पे लेके जाएंगे। पूरा का पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी के पास, नीचे से ऊपर तक। अब पूरे ध्यान को अपने नाभि के पास लेके आएंगे, स्टमक के एरिया, एब्डोमेन। एंड जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ फ्रॉम नेवल टू नॉस्ट्रिल। पूरे ध्यान को नाभि से लेके दोनों नासिका तक ऑब्जर्व करना है। सांस आप ले रहे हो नाभि से और दोनों नासिका तक जा रही है, और दोनों नासिका से नाभि तक। सांस थोड़ा और हमारा नॉर्मल हो जाएगा और अपने शरीर की ऑरा को पूरा महसूस करते जाना है। और आप फील करोगे इसी प्रोसेस के दौरान कि आपके बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। एनर्जी आपके पूरे शरीर के अंदर अपलिफ्ट होना शुरू हो गई है, उसे महसूस करना रहेगा। यू कैन फील सम वाइब्रेशंस ऑन योर फेस, ऑन योर बाइसेप्स, फोरआर्म्स। यहाँ पे थोड़े आपको वाइब्रेशंस फील होंगे, उसे महसूस करना है। कान के पास, चेहरे के पास, और धीरे धीरे पूरे शरीर में एक तरंग की तरह आपके वाइब्रेशंस महसूस कर सकते हो। और सांसों पे अपना ध्यान बनाए रखेंगे और आराम से लगभग 10 मिनट के आसपास आपको इस तरह से बैठना है आंखें बंद करके। और फिर धीरे से एक लंबी गहरी सांस लेते हुए और धीरे से बाहर छोड़ते हुए अपनी आंखों को खोल सकते हैं। तो देखा आपने, बहुत ही सरल और इजी प्रोसेस है। करना क्या है, हमें सिर्फ इस मुद्रा में बैठना है जहां पे हमारी फर्स्ट फिंगर, पहली उंगली एकदम स्ट्रेट होगी और बाकी की सारी उंगलियां, स्मॉल फिंगर, रिंग फिंगर और थंब एक दूसरे से मिलेंगे और फर्स्ट फिंगर विल बी रिमेन स्ट्रेट। ऐसे इस तरह से पोजिशन होगा उसका ऐसा। और इसको आपको आराम से दोनों घुटनों के ऊपर रख देना है। तो ये मित्रों इतना पावरफुल प्रोसेस है, इतना पावरफुल प्रोसेस है कि जैसे ही आप आंख बंद करके अपने ब्रेथ्स को ऑब्जर्व करते जाओगे, यू विल फील द एनर्जी इज अपलिफ्टिंग इन योर बॉडी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी और बाकायदा आप उसको फील कर सकते हो। तो अपने पहले ध्यान सारी हड्डियों पे रखना है, शरीर के हर एक पार्ट्स पे, जैसे तालू हुआ, घुटना हुआ, कमर हुआ, कंधे हुए, शोल्डर, पूरे शरीर के पास धीरे धीरे ध्यान लेके जाके फिर अपनी रीढ़ की हड्डी के पास, पीठ के पीछे लेके जाना है। और वहां पे जैसे ही आपकी रीढ़ की हड्डी है तो यहाँ पे पहले आपके ध्यान धीरे धीरे अपने सांसों को महसूस करते हुए ऐसे ऊपर की तरफ आपको बढ़ते जाना है। देन यू हैव टू कम टू द ऑपोजिट साइड, सामने की तरफ आना है, नाभि, नेवल के यहाँ से फिर अपने ब्रेथ को महसूस करना है, यहाँ से लेके दोनों नासिका तक, दोनों नासिका से नाभि तक। एंड यू विल फील एट दैट टाइम ओनली कि समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर होल बॉडी। यू कैन फील सम चेंजेस लाइक वाइब्रेशंस एंड ऑल आपके फेस के आसपास में, बाइसेप्स में, हथेलियों में, मतलब आपको तरंग महसूस होगी जो कि एक सिम्टम्स है, एक चीज आपको एनर्जी का प्रवाह का आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। सो इस पूरे प्रोसेस का लाभ यह है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो बहुत ही अच्छे ढंग से फ्लो होना चालू होगा। ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम और मुद्रा है ये, तो इसको जरूर कीजिए। और जब भी शरीर में आपको लगे बहुत थकान, बहुत थकावट, नींद पूरी नहीं हुई है, मन का स्तर बहुत ही नीचे गिरा हुआ है, उस समय भी ये मुद्रा आपको करना चाहिए। सो एंजॉय दिस मुद्रा, बी स्ट्रॉन्ग, कीप गोइंग, अपने पूरे शरीर को, अपने मन को स्वस्थ रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, मिलते हैं बहुत जल्दी।